एक स्टेटमेंट सामने आया है, पत्र लिखा है सीजीआई को, अयोध्या मामले में सीजीआई को चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि विवादित जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ है और ये गौतम जो है सीजीआई को ऐतिहासिक सबूत सौंपेंगे। आप देखिए अयोध्या मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त, आपको बता दें सीजीआई से 5 मिनट का वक्त मांगा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आशीष सिन्हा का। आशीष, अजय गौतम ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है, क्या है बातें उस चिट्ठी में लिखी गई है, बताया ये भी जा रहा है कि 5 मिनट का वक्त मांगा गया है सीजीआई से। अजय गौतम जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को एक पत्र लिखा है। जस्टिस रंजन गोगोई ही अयोध्या मामले में संविधान पीठ की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। अजय गौतम ने कहा है कि उनके पास कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसे हैं जो वो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है उसके समक्ष रखना चाहते हैं। अजय गौतम ने अपने पत्र में दावा किया है और उनका विश्वास भी है कि भगवान श्री राम का जन्म उसी विवादित स्थल पर हुआ था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने 5 मिनट बहस करने की इजाजत मांगी है। 5 मिनट वो इस मामले में बहस करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इजाजत मांगी है। अब केवल 4 दिनों की सुनवाई बाकी है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीजीआई उन्हें इस मामले में बहस करने की इजाजत देते हैं या नहीं, क्योंकि आगे इस पर बने रहेंगे, देखेंगे कि क्या उन्हें इजाजत मिलती है या नहीं। फिलहाल शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए।